सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल अवध का प्रिंस। सो आई होप आप सब एक बहुत अच्छे हो गए। और आफ्टर अ लॉन्ग टाइम गाइज, अब जो है कंटिन्यूसली वीडियोज़ आएंगी। 31st आज है, 30 को मेरा पेपर एग्ज़ाम जो है ख़त्म हुआ। काफ़ी लंबे समय तक ये एग्ज़ाम चला, तो इसी में काफ़ी बिजी रहा मेरा शेड्यूल। अब जो है मैं फ्री हो चुका हूँ, तो कंटिन्यूसली जो है अब अपडेट्स जो बची हुई हैं आएंगी। आज की वीडियो रहेगी लखनऊ आउटर रिंग रोड। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ आउटर रिंग रोड जो पैकेज 1 है उसको हम दिखाएंगे, और चलेंगे जो हम ग्लोबल लीफ इंटरचेंज जो है उसको देखेंगे, वहाँ से शुरू करेंगे वीडियो, और वहाँ से चल करके हम आगरा एक्सप्रेसवे तक चलेंगे। देखेंगे क्या वहाँ पे कोई कनेक्टिविटी दी गई है, नहीं दी गई है, वो सारी चीज़ें कितना कंप्लीट हुआ, कितना बचा हुआ है, फुल डिटेल में आपको दूंगा। और साथ में कितना कुछ वो रोड जो है बना हुआ है, और क्या चीज़ें उसमें अच्छी है, क्या चीज़ खराब है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखे हैं सुल्तानपुर साइड का जो रोड है उसमें बहुत ज़्यादा डिफेक्ट है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मतलब कि वो इतना ऐसा मटेरियल का यूज़ किया गया है जो कि बहुत बेकार है। अभी आप भी अगर कोई जा रहा होगा तो आप नोटिस करना कि बीच बीच में बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं और फट रहे हैं वो रोड। तो ये चीज़ भी मैं आगे भी देखूंगा, सर्वे करूंगा। तो चलिए वीडियो बने रहिएगा, चलिए निकलते हैं और मिलते सीधे आपको ग्लोबल लीफ इंटरचेंज के पास में। सो फाइनली गाइस, हम पहुंच गए हैं ग्लोबल लीफ इंटरचेंज जहाँ पे बन रहा है। आपको मैं दिखाता हूँ, उससे पहले मैं बताऊँ कि ये जो है लखनऊ आउटर रिंग रोड का पैकेज पहला है, और चैनल नंबर 24.4 पे हम इस वक्त आप जैसा कि देख पा रहे हैं। और ये देखिए, ये है दक्षिण और पूर्व साइड की ये काम, ये कंस्ट्रक्शन देख सकते हैं कि भूमि संदलीकरण का काम कर दिया गया है, और इस पे जो है अभी डामर देना बाकी है। सीवर का भी काम कर दिया गया देख सकते हैं, और इस साइड में भी डामर कुछ दे दिया गया है। चलिए आपको मैं दूसरी साइड लेके चलता हूँ, और आप उस साइड देख सकते हैं पश्चिम और दक्षिण साइड का देख सकते हैं, उधर में गटर्स बहुत बड़े पैमाने पर रखे गए हैं, और उधर भूमि संदली का भी काम उधर भी कर दिया गया है, और उस साइड में बस डामर देना बाकी है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, इस जगह पे बहुत ही बड़े पैमाने पे गटर यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, यानी गटर सेट किए गए हैं, और इधर में आप पैनल्स भी देख सकते हैं। तो आप नज़ारे देख पा रहे हैं, ये ग्लोबल लीफ इंटरचेंज का तीनों साइड का, और एक साइड में आप देख रहे होंगे कि उस साइड में कॉन्क्रीट वगैरह बिछा दी गई है। आपको मैं ले करके चलता हूँ, उस साइड में एक हेमिस्फीयर जो सर्कल है वो नहीं बन पाएगा, इस साइड में सर्कल बन पा रहा है क्योंकि जगह है, स्पेस है, उस साइड में जगह नहीं है, इसलिए वहाँ पर एक सर्विस लाइन दिया जा रहा है। और ये जो है ये कानपुर एक्सप्रेसवे है, आप उस साइड चले जाएंगे लखनऊ साइड में, और ये कानपुर एक्सप्रेसवे जिसे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे NE6 के नाम से हम जानते हैं। और गाइस जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये यहाँ पे ग्लोबल लीफ इंटरचेंज, अगर आप मुहान साइड में जाएंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे पाइलिंग मतलब पियर कैप का काम किया गया सर्कल में, आप देख पा रहे हैं, और इसमें हसन क्लॉथ भी लगा हुआ है, वो भी पियर कैप है। इसको जो है ये जो आपका जो ग्लोबल लीफ इंटरचेंज सर्कल में, ये इसको कट करते हुए इस पर जा करके मिलेगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये जो है पियर कैप है, और इधर में ये पियर है, इस पर पियर कैप लगने बाकी है, और उसे जाकर कनेक्ट होकर के उस साइड में निकल जाएंगे। तो बहुत ही बेहतरीन ग्लोबल लीफ इंटरचेंज का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और जो है आपसे एक सवाल है कि लखनऊ में ग्लोबल लीफ इंटरचेंज और कहाँ पे है, आप बता सकते हैं कमेंट करिए। इस वक्त हम है 24.8 चैनल नंबर पे। चलिए अब आपको मैं और आगे लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि मुहान तक कितना क्या काम हो गया। वैसे तो पैकेज 1 बिल्कुल कंप्लीट हो गया, मैं सीधे मुहान पे लेके चलूँगा, और मुहान से आगे देखेंगे कि आगरा एक्सप्रेसवे तक का काम कितना कंप्लीट हो चुका है और कितना समय लगेगा। तो बने रहिए वीडियो में, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप नए हैं चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जो है रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगी। परसेंट से आगरा एक्सप्रेसवे जो पड़ता है 12 किलोमीटर। हम पहुंच गए हैं मुहान आरओबी के पास में, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है मुहान रेलवे ओवरब्रिज। ये भी बहुत पहले, ये तो ऑलरेडी पहले ही बनकर तैयार हो चुका है, जब सुल्तानपुर आरओबी जब कंप्लीट नहीं हुआ था उससे पहले ये कंप्लीट करके हैंडओवर कर दिया था कंपनी ने। और इस जगह पर जो है बिजली के खंभे पूरी तरीके से LED लाइट्स लगा दी गई हैं, देख सकते हैं आप,
और ये पूरा जो है मेटल से पूरा बना हुआ है आरओबी, देख सकते हैं पूरा ये रोड भी चालू है। इस वक्त हम 32.2 चैनेज नंबर पे। और गाइस मुहान से जो मुहान रोड है यहाँ से 9 किलोमीटर आगरा एक्सप्रेस वे पड़ता है। और आप देख सकते हैं ये देखिए ग्रीनरी लाजवाब, बहुत ही शानदार व्यू देख सकते हैं। और ये रेलवे ट्रैक पीपरसन रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा है। इस साइड में आप देख सकते हैं पूरा जो सीवर का काम था वो भी कंप्लीट कर दिया गया और पाथवे भी बिल्कुल कंप्लीट कर दिया गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। चलिए अब चलते हैं आगरा एक्सप्रेसवे की ओर, बने रहिए वीडियो में। और अब हम पहुंचने वाले हैं आगरा एक्सप्रेसवे की ओर। यहाँ से 3 किलोमीटर पड़ेगा आगरा एक्सप्रेसवे और इस जगह पे हम पहुंचे हैं तो देख पा रहे हैं कि ये जो है रोड बिल्कुल 4 लेन का रोड जो है कंप्लीट हो चुकी है, सर्विस लेन भी कंप्लीट हो गई, पाथवे भी बिल्कुल फिनिश कर दिया गया और जो है सीवर भी पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया गया है। और यहाँ पे भी LED लाइट्स लग चुकी हैं, बहुत ही बेहतरीन। और गाइज इस वक्त हम पहुँच गए पैकेज 2 में, लखनऊ आउटर रिंग रोड पैकेज 2 जो कि मुहान रोड से लेकर के शुरू होकर के और जाता है सीतापुर रोड तक। ये टोटल 32 किलोमीटर की पैकेज है जिसमें कि इस वक्त हम है 33.250 चैनेज नंबर पे। आप देख सकते हैं कि कुछ समय पहले हम 3-4 महीने पहले जब आए थे तो यहाँ पे जो है पूरी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई थी, सर्विस लेन बस बना था, बाकी यहाँ पे डामर नहीं दिया गया था, उस साइड में डामर दिया जा रहा था तो ये थी। और आप अब देख पा रहे हैं कि पूरी तरीके से ये कम्प्लीट हो चुका है। इस साइड में मुहान रोड की गतिविधि बता रहा हूँ आपको। चलिए अब आपको मैं ले करके चलता हूँ और आगे, और यहाँ से ज़्यादा नहीं आगरा एक्सप्रेस में बहुत ही करीब है। और आप देख पा रहे हैं कि ये बिजली के खंभे जो LED लाइट्स ये भी पूरी तरह लगा दी गई है और अभी भी धूप है फिर भी लाइट जल रही है, देख सकते हैं कितना अच्छा उपयोग किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ से 4 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स आगरा एक्सप्रेस वे है और इस पर जो स्पीड लिमिट दी गई है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड दी गई है। हर 300 से 400 मीटर पे एंट्री और एग्जिट के लिए पैचेस बनाए गए हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा फिनिशिंग कर दी गई है और जो है यहाँ पे एरो वगैरह सारी चीज़ें बना दी गई हैं, पट्टे वगैरह सारी चीज़ें दे दी गई हैं। इस वक्त 35.350 चैनल नंबर पे हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये रोड किस तरीके से ख़राब है। मैं जैसा कि आपको बता रहा था बीच बीच में बहुत खराबियाँ भी हैं इस रोड पे जो कि एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आशा करता हूँ मैं इसे जल्द ही सही किया जाएगा और जितने भी होर्डिंग्स गलत लगाए गए हैं उसे भी सही किया जाएगा। और ये देख सकते हैं ये हरदोइया लाल नगर का स्टॉपेज है, पैसेंजर स्टॉपेज के लिए बनाया गया है, बस स्टैंड बनाया गया है। और इस जगह पे भी आप देख पा रहे हैं ये देखिए बीच बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं कि कोई भी अगर तेज़ी से आ रहा हो तो एक्सीडेंट होना निश्चित है। अभी और आपको मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं दोस्तों इतने सारे गड्ढे, इतने सारे यहाँ पे टूटे पड़े हैं रोड, देख सकते हैं ये देख पा रहे हैं आप लोग। ये मैं अवध के प्रिंस चैनल द्वारा छोड़ दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे भी सेम नज़ारा सेम दृश्य, रोड बहुत ही जर्जरे हालत में है। इस वक्त हम पहुँच गए 37.950 चैनेज नंबर पे और यहाँ से 1 किलोमीटर आगरा एक्सप्रेस वे पड़ता है, बस हम जस्ट पहुँचने वाले हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है सीतापुर गोंडा और अयोध्या के लिए आप राइट साइड में जाएंगे। और इस साइड भी आप देख सकते हैं कि जो है बैरिगेड भी किया गया है, जाली देख सकते हैं, जाली यहाँ पे लगाया गया है काफ़ी दूर तक, जाली का इसमें काम किया गया है। और आप देख सकते हैं पूरा क्रैश बैरियर और जो सर्विस लेन है ये भी बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इस साइड का पाथवे देख सकते हैं, पाथवे भी लमसम में कम्प्लीट है और ड्रेन भी कम्प्लीट हो चुका है। आप देख सकते हैं आप लोग आम का सीजन आ गया और ये पूरा पूरा जो है आम का बगीचा ही है, इसमें मोजर आया हुआ है। चलिए अब हम आपको लेकर के चलते हैं आगरा एक्सप्रेसवे की ओर,
वहाँ के दिखाते क्या गतिविधियाँ हैं। तो बने रहिए वीडियो में, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को जो है सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। चलिए 38.400 पे इस वक्त चैनेज नंबर पे हम लोग हैं। इस वक्त यहाँ पे भी देख सकते हैं कि लोहे के खंभे लगाए जा रहे हैं और जाली का भी इसमें काम किया जा रहा है। बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस रोड पे काम हो रहा है, और आप देख पा रहे हैं हम आगरा एक्सप्रेसवे के पास पहुँचने वाले हैं, और इस साइड का सर्विस लेन कंप्लीट नहीं है, क्रैश बैरियर की पुताई नहीं की गई है, अभी इस पे डामर पड़ना बाकी है सर्विस लेन पे। और इस जगह पे देख सकते हैं दोस्तों अभी क्रैश बैरियर लगाई जा रही है। तो यहाँ पे अभी बहुत सारे काम बचे हुए हैं आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ की ओर, लगातार इस रोड पे अभी कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। आई होप आप सभी को ये अपडेट समझ में आ रही है। सो गाइस, ये है लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जैसा कि आप देख सकते हैं, और इधर के आप देख सकते हैं गतिविधियाँ ये हैं, और इधर सर्विस लेन अभी कंप्लीट नहीं है। गाइज, इस वक्त हम पहुंच गए 41.2 चैलेंज नंबर पे, और इस जगह पे 41.2 चैलेंज नंबर पे यहाँ पे FOB का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस जगह पे। ये देखिए फुट ओवर ब्रिज यहाँ पे बनाई जा रही है, इस जगह पे देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पे इसको लगाई जाएगी। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका काम किया जा रहा है। बिल्कुल यहाँ पे FOB की ज़रूरत है, क्योंकि फुट ओवर ब्रिज नहीं होगा तो फिर जो है पैसेंजर्स या फिर यात्रीगण जो है इधर से उधर जाने में दिक्कत होगी और एक्सीडेंट का सामना करना पड़ेगा, तो इसीलिए यहाँ पे ये FOB का निर्माण किया जा रहा है। आई होप आप सभी को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ रही होगी। चलिए आपको मैं और आगे लेकर के चलता हूँ। और इस साइड में आप देख सकते हैं दोनों साइड में कि क्रैश बैरियर लगा तो दिया गया है, लेकिन अभी पूरी तरीके से फिनिश नहीं है, इसमें पुताई किया जाना अभी बाकी है। उस साइड में भी सेम, उधर में डामर दे दिया जा रहा है। आपको आगे मैं लेकर के चलता हूँ। तो ये है पूरी लखनऊ आउटर रिंग रोड पैकेज सेकंड की व्यू। अभी हाल ही में यहाँ पर डामर दिया गया है जैसा कि देख सकते हैं। दिया जा रहा है तो इस जगह पे अभी काम हो रहा है दोस्तों, ये है अपडेट। सो गाइस, फाइनली इस वक्त हम पहुंच गए 42.4 चैलेंज नंबर पे, और आप देख सकते हैं कि इधर में सर्विस लेन अभी इनकम्प्लीट है, सर्विस लेन जो है अधूरा है, इसे अभी पूरी तरीके से बनाया जाएगा। और आप देख सकते हैं बीच में जो डिवाइडर होती है इसमें भी अभी पूरा काम नहीं किया गया, अभी यहाँ पे लाइट लगानी बाकी है, और पाथवे भी इधर नहीं बना है। ड्रेन बन चुका है लेकिन पाथवे अभी इधर अधूरा है, सर्विस लेन अधूरा है, बीच का जो डिवाइडर है वो अधूरा है, फिर उसके बाद यहाँ पे बिजली के खंभे लगने बाकी हैं। तो काम अभी बहुत सारे हैं, 2 महीने में ये पूरी तरीके से मुझे लगता है कि कम्प्लीट हो जाएगा। आपको क्या लगता है आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। दोस्तों, इस वक्त आपको मैं लेकर के आया हूँ 43.208 चैलेंज नंबर पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस जगह पे JCB से भूमि समतली का काम किया जा रहा है, और इस साइड में देख पा रहे हैं आप सर्विस लेन जो है बिल्कुल अभी तैयार नहीं है, मिट्टी ही मिट्टी फैला हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और इधर पाथवे भी अभी अधूरा है, पाथवे भी अभी नहीं बना है, और उस साइड में भी सर्विस लेन अभी अधूरा है। तो लगातार अभी जो है इधर कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं, इसमें मैंने जैसा कि बताया कि 2 महीने मिनिमम लग जाएंगे।
सो गाइज मैं आपको लेकर के आ गया हूँ हरदोई रोड पे। जी हाँ दोस्तों, 44.4 चैनेज नंबर पे लेकर के आ गया हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हरदोई रोड, और हरदोई रोड भी कंस्ट्रक्शन किए जा रहे हैं। देख सकते हैं इस साइड में अभी काम किए जा रहे हैं, इस साइड में भी काम किए जा रहे हैं, आगे भी देख सकते हैं उधर काम किए जा रहे हैं। तो ये हरदोई रोड है, और हरदोई रोड के ऊपर में आप देख सकते हैं इधर में अभी जो क्रैश बैरियर लगाया गया है उस पर अभी पुताई करनी बाकी है। उधर में भी सेम काम अभी करना बाकी, पुताई करना बाकी है, और उधर भी अभी डामर ठीक से नहीं दिया गया साइड बाई साइड, और इस साइड में भी तो अभी दिया जाएगा, ये काम अभी बचा हुआ है। चलिए आपको और आगे लेकर के चलते हैं। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच गए हम सफर रिजॉर्ट के पास में। ये देखिए कितनी शानदार बिल्डिंग है, रिजॉर्ट है, और इस साइड में देख सकते हैं अभी भी काम इधर करना बाकी है, और इस साइड में भी अभी बैरिकेड लगाने जाने बाकी हैं, और इस जगह पे बिजली के खंभे लगाए जा रहे हैं। दोस्तों इस वक्त हम पहुंच गए सराय प्रेमराज के पास में, और ये देख सकते हैं FOB काफ़ी बड़े पैमाने पे इसे निर्माण किया गया है। और आपको मैं बता दूं लखनऊ आउटर रिंग रोड की जो 4 लेन है, मेन लेन है, उसकी लंबाई 9.7 मीटर की है, और जो सर्विस लेन है 7.8 मीटर की है। देख सकते हैं यहाँ पे भी जो बस स्टैंड बनाया गया है, दोनों साइड में बस स्टैंड बनाया गया है, पैसेंजर्स के लिए वेट करने के लिए दिया गया है।